जब बुरे फंसे रोहित शर्मा, पुलिस ने रोहित शर्मा को बचाया, फैंस की वजह से फंसे कप्तान। भारतीय टीम इस वक्त जिम्बाब्वे दौरे पर है। आपको बता दें कि भारत और जिम्बाब्वे के बीच 18 अगस्त से 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। इस सीरीज की बात करें तो भारतीय टीम के कई सीनियर खिलाड़ियों को इस सीरीज पर आराम दिया गया है, जिनमें कप्तान रोहित शर्मा, पूर्व कप्तान विराट कोहली, ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी शामिल है। बहरहाल बात करें अगर रोहित शर्मा की, तो वह इस वक्त इंडिया में है और टीम इंडिया के साथ वह एशिया कप खेलने के लिए UAE रवाना होंगे। लेकिन एशिया कप के लिए रवाना होने से पहले रोहित शर्मा को एक परेशानी का सामना करना पड़ गया। दरअसल आपको बता दें कि फैंस की वजह से रोहित शर्मा परेशान हो गए और रोहित शर्मा को फैंस की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा। पूरी बात की अगर आपको जानकारी दी तो रोहित शर्मा दुनिया के मशहूर क्रिकेटर्स में से एक है। रोहित शर्मा की फैन फॉलोइंग भारत ही नहीं विदेशों में भी है। विदेश के भी कई लोग रोहित शर्मा को चाहते हैं और फैंस की वजह से क्रिकेटर्स को जहां फायदा होता है तो कई बार उन्हें मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि 15 अगस्त को रोहित शर्मा फैंस की वजह से ही मुसीबत में फंस गए और पुलिस को बीच में आकर के बीच बचाव कर रोहित शर्मा को सुरक्षित निकालना पड़ा। दरअसल रोहित शर्मा मुंबई में द टेबल रेस्टोरेंट में पहुंचे थे और वहां उन्होंने ब्रेक लेकर के अपने दोस्त से मिलने का प्रोग्राम बनाया था। साथ ही रोहित शर्मा उस होटल में मौजूद थे, जिसकी खबर फैंस को लग गई। आपको बता दें कि रोहित शर्मा जब उस होटल से निकलने लगे तब कई सैकड़ों की संख्या में उनके फैंस होटल के बाहर, रेस्टोरेंट के बाहर इकट्ठा हो गए, जिसके बाद रोहित शर्मा को परेशानी का सामना करना पड़ा। रोहित शर्मा ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन भारी भीड़ को देखते हुए रोहित शर्मा वापस अंदर चले गए और फिर ट्रैफिक पुलिस को वहां आना पड़ा और इसके बाद पुलिस ने रोहित शर्मा को सुरक्षित वहां से निकाला। इसके अलावा आपको बता दें कि ट्रैफिक भी पूरी तरीके से मुंबई के रेस्टोरेंट के बाहर जाम हो गया और रोहित शर्मा को मुसीबत का सामना करना पड़ा। एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने जब रोहित शर्मा को वहां देखा कि वह परेशानी में है, तब उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। होटल्स के गार्ड और तमाम सुरक्षा कर्मी वहां मौजूद रहे और रोहित शर्मा को सुरक्षित उनकी गाड़ी में बिठा करके वहां से निकाल कर रवाना किया गया। हजारों की संख्या में फैंस रोहित शर्मा की एक झलक पाने के लिए रेस्टोरेंट के बाहर इकट्ठा हो गए। जैसे ही एक फैन को खबर लगी कि रोहित शर्मा रेस्टोरेंट के अंदर है, और इसके बाद वह खबर तेजी से फैल गई और रोहित शर्मा को परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बाद पुलिस वहां आई और पुलिस ने पहले जाम को खुलवाया और इसके बाद रोहित शर्मा को वहां से निकाला गया। पर बात करें अगर रोहित शर्मा और टीम इंडिया की, तो रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया 23 तारीख को UAE के लिए रवाना होगी। इससे पहले टीम इंडिया का फिटनेस टेस्ट होगा और टीम इंडिया वहां जाकर के UAE में प्रैक्टिस करना शुरू करेगी और पाकिस्तान के साथ 28 अगस्त को अपना पहला मुकाबला खेलेगी। भारतीय खिलाड़ियों का 18 अगस्त को बेंगलुरु में NCA में इकट्ठा होकर के फिटनेस टेस्ट किया जाएगा और प्रोटोकॉल के बाद जो खिलाड़ी लंबे समय के बाद वापसी कर रहे हैं उन्हें टेस्ट देना अनिवार्य होता है और ऐसे में भारतीय खिलाड़ियों का टेस्ट होगा और टीम इंडिया इसके बाद दुबई के लिए रवाना हो जाएगी। बहरहाल रोहित शर्मा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपकी क्या कुछ राय है इस वीडियो को लेकर कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। स्पोर्ट्स के अपडेट के लिए देखते रहिए वन इंडिया। नमस्कार।